हे देव वेलकम टू दीरीज़ ऑफ़ तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री सो दिस लेसन इज़ प्रजेंटेड बाई मी कंचन पांडे और हम पढ़ रहे हैं क्लास इलेवेंथ की हिस्ट्री सो क्लास इलेवेंथ में आज आप जानेंगे गुप्तास के बारे में गुप्तास के एम एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट इन्फो है आप लोगों के लिए अगर आप लोग यू पी पी एस सी एम पी पी एस सी या बी पी एस सी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए स्टडी मटीरियल मौजूद है हमारे पेड ग्रुप में तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी फ़र्दर क्वेरीज़ के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं दीज आर द चैप्टर्स टू बी कवर्ड इन दिस सीरीज़ सो हमने क्लास एट तक चैप्टर एट तक संगम एज तक पढ़ लिया है नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट गुप्ताज अम्पायर और अगर आपको ये लेसन पसंद आए देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन नाउ गुप्ताज अम्पायर का ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने के बाद यू विल गेट टू नो अबाउट द सोर्सेज जहाँ से हमें गुप्ताज के बारे में पता चला है वो कौन से मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन थे ठीक है जहाँ से हमें इनके बारे में इन्फो मिली है और जो ग्रेट एम्पर है इस डायनेस्टी के जैसे समुद्र गुप्त चंद्र टू तो इनके हम अचीवमेंट्स के बारे में देखेंगे फहैन कौन थे ये जानेंगे ठीक है और गुप्ताज के एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सो, सोशियो और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी उस वक्त आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या कोई डेवलपमेंट हुआ था लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे और यहाँ पे कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हुआ था तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है सो so, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं पहले आप इनको देख लीजिए और चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा इन इस चैप्टर में ही इनके आसर, आंसर्स मौजूद हैं और चैप्टर के एंड में हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे ठीक है तो जहाँ भी ये टर्म्स आएंगे चैप्टर में तो आप अटेंशन दीजिएगा ठीक है सो so, चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द गुप्ताज एरा स्टार्ट फ्राम द ईयर तो गुप्ताज का जो एरा है ठीक है वो कब से स्टार्ट होता है ए ऑप्शन है थ्री टेन ए डी या थ्री ट्वेंटी ए डी सी थ्री थर्टी ए डी या डी थ्री हंड्रेड ए डी नव सेकेंड क्वेश्चन है आपका द फाउंडर ऑफ़ द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे ये ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी मैज द फॉलोइंग की तरह आ जाते हैं आपको ऐसे स्कल्पचर्स या बिल्डिंग्स दी होती हैं कोई मोन्यूमेंट्स दिए है होते हैं और दूसरी साइड आपको उनके जो फाउंडर है जिन्होंने उन्होंने उसे बनाया है उनके नाम लिखे होते हैं तो आपको करेक्ट जो मैच है वो बताना पड़ता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा सो so, यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर पूछे गए हैं ए समुद्रगुप्त बी चंद्रगुप्त टू सी कुमारगुप्त या डी स्कंदगुप्त तो हम देखेंगे चैप्टर में आगे कि किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था थर्ड क्वेश्चन है आपका द फिजिशियन हु लिव्ड ड्यूरिंग गुप्ता एज तो गुप्ताज के एज में कौन से फिजिशियन थे ए मिहिरा, बी वागभट्टा, भट्टा सी चारक या डी सुश्रुता नाउ फिलिंदा ब्लैंक्स है गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर पूछा गया है अभी मैं बताऊंगी आपको इस चैप्टर में इनके फाउंडर कौन हैं और बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे वासुबंधु ठीक है इनको कौन पैटर्नाइज़ करते थे कौन से ऐसे गुप्तास के एम्प एम्पर थे जो इनको काफ़ी ज़्यादा पैटर्नाइज करते थे थर्ड क्वेश्चन है आपका द टाइटल सकारी वॉज अज्यूम्ड बाय तो सकारी जो टाइटल है हम देखेंगे इसका क्या मतलब होता है और ये टाइटल किसको मिला था फोर्थ है द एपिक्स रिटर्न बाय कालिदास तो कालिदास के द्वारा लिखी गई जो इम्पोर्टेंट एपिक्स हैं दो उनके बारे में जानेंगे नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ बृहद समहिता वाज तो बृहद संहिता बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है तो इसके ऑथर कौन है ये आपको बताना है सो वी विल डिस्कस ऑल दीज इन अपकमिंग स्लाइड्स तो यहाँ पर द फॉलोइंग भी है आपको मेघ दूत देवी चंद्रगुप्तम दस कुमार चरित मृछ कटिका तो ये बुक्स के नाम हैं और इनको किसने लिखा है वो आपको मैच करना है ए दान्डीन बी सुद्रका सी कालीदास या डी विसाख दत्ता सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि गुप्तास के बारे में हमें कैसे पता चलता है ठीक है वो कौन से सोर्सेस है जिनके थ्रू हमें गुप्तास के बारे में इन्फोम मिली है सो so, विसाख दत्ता के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं देवी चंद्र गुप्तम और मुद्र राक्षसम तो ये जो बुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं गुप्तास के राइस के बारे में और एक चाइनीज़ ट्रैवलर हैं फाहेन तो ये इंडिया आए थे और इन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है गुप्ताज अम्पायर में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसके ऊपर नौ इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं हमें जैसे महरूली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है और अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है तो ये दोनों इंस्क्रिप्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जो महरूली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है ये आपको बताता है चंद्रगुप्त वन के बारे में ठीक है उनके द्वारा जो भी अचीवमेंट्स की गई हैं वो इस महरूली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं और समुद्रगुप्त गुप्त के बारे में आपको पता चलता है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से ठीक है सो so, ये जो इंस्क्रिप्शन है इट वॉज़ इनग्रेव्ड ऑन अशोकन पिलर ठीक है और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो है संस्कृत एंड स्क्रिप्ट यूज़ की गई है नागरी स्क्रिप्ट ओके सो दीज वर द सोर्सेस जहाँ से हमको गुप्तास के बारे में पता चला है देवी चंद्र गुप्तम और मुद्र राक्षसम रिटर्न बाय विसाख दत्ता चाइनीज ट्रेवलर जो फाहेन है इनके द्वारा लिखी गई वर्क्स में और दो इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें महरूली और अलाहाबाद महरूली में लिखा गया है चंद्रगुप्त के बारे में और अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है समुद्रगुप्त के बारे में अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि गुप्ताज की जो डायनेस्टी है उसको फाउंड किसने किया था तो श्री गुप्ता जो हैं इन्होंने गुप्ताज की डायनेस्टी को फाउंड किया था और इनको सक्सीड किया था इनके बाद आए थे घटोट कच तो श्री गुप्ता और घटोट कच के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे या टाइटल्स बोलें तो वो होते थे महाराजाज ठीक है और तो और इनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है अब उसके बाद सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर हैं गुप्ताज डायनेस्टी के चंद्रगुप्त वन तो इनके बारे में जानते हैं क्योंकि इनके बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है महरूली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन से सो तो इनका टाइमलाइन जो है वो है थ्री ट्वेंटी से लेके थ्री थर्टी ए और ये पहले ऐसे राजा हैं जिनको महाराजा अधिराज कहा गया है यानी कि द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स तो ये क्यों कहा गया है बिकॉज वो बहुत ही अच्छे राजा थे एडमिनिस्ट्रेटर थे और इन्होंने जो अपना किंगडम है वो काफ़ी स्ट्रेंथन कर लिया था इनकी पॉलिसीज़ जो थी उसमें से मेट वॉरफेयर तो था ही साथ में ये मेट्रीमोनियल अलायंसेस को भी यूज़ करते थे ठीक है तो इन इनका मेट्रीमोनियल अलाइंसेज़ था ले के साथ उन्होंने वहाँ की जो प्रिंसेस हैं कुमार देवी उनके साथ शादी करी थी और इससे उनके किंगडम को और ज्यादा पावर मिली ओके okay. नव चंद्रगुप्त वन जो है इन्होंने काफी ज्यादा युद्ध भी किए थे और इनको गुप्ता एरा का रियल फाउंडर माना जाता है ठीक है गुप्ताज एरा का फाउंडर जो है माना जाता है चंद्रगुप्त वन को और ये कब से स्टार्ट हुआ है 320 ट्वेंटी से यानी कि गुप्ताज का जो एरा है वो स्टार्ट हुआ 320 ट्वेंटी से चंद्रगुप्त वन के एक्सेशन के बाद अब जानते हैं नेक्स्ट रूलर समुद्रगुप्त के बारे में इनका जो टाइमलाइन है वो है 330 से लेके 380 एटी और ये गुप्ता डायनेस्टी के काफ़ी अच्छे महान रूलर माने जाते हैं अभी आप इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे सो so, इनके बारे में जैसा कि हमने देखा था हमें पता चलता है अलाहाबाद पीलन इंस्क्रिप्शन से तो इन्हों इनके जो मिलिट्री कैंपेन्स हुए थे उनको तीन स्टेजेस में बांटा गया है तो पहले हम इनके वॉरफियर्स के बारे में जानते हैं सो so, पहला जो इनका मिलिट्री कैंपेन था वो था नॉर्थ इंडिया के कुछ रूलर्स के खिलाफ सेकेंड जो था वो था दक्षिण पथ एक्सपीडिशन ठीक है साउथ इंडियन रूलर्स के खिलाफ और जो तीसरा था वो फिर से जो नॉर्थ इंडिया के रूलर्स हैं उनके खिलाफ था तो नॉर्थ इंडिया के खिलाफ इन्होंने दो जो कैंपेन हैं वो लड़े थे नाउ जो फर्स्ट कैंपेन था नॉर्थ इंडिया के रूलर्स के खिलाफ उसमें इन्होंने अच्युता और नाग सेना को डिफीट किया था ठीक है अच्युता जो है एक नाग रूलर हैं और जो नाग सेना है वो कोटा फैमिली से बिलोंग करते थे ठीक है इनका जो किंगडम हुआ करता था वो गंगाटिक वैली के पास हुआ था तो बाद में जो समुद्रगुप्त गुप्त हैं उन्होंने इनको हरा के अपना जो किंगडम है गंगाटिक वैली तक एक्सपेंड कर लिया था ठीक है इनका जो सेकंड कैंपेन था वो था साउथ इंडिया के रूलर्स के खिलाफ तो इन्होंने बारह साउथ इंडियन रूलर्स से लड़ाई करी थी और आफ्टर ऑल वो जीत गए थे लेकिन यहाँ पे साउथ इंडिया में इनकी पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट थी जैसे नॉर्थ इंडिया में आपने देखा कि उन्होंने जो गंगाटिक वैली का रीजन है ठीक है उसको एनेक्स कर लिया था ठीक है लेकिन यहाँ पे ये साउथ इंडिया की टेरिटरीज़ को एनेक्स नहीं करते हैं वो जितने भी राजा से उन्होंने उनके किंगडम जीते होते हैं उन्हें वापस कर देते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ पे रूल करो लेकिन आप रूल करोगे मेरे अंडर ठीक है तो ये पॉलिसी उन्होंने साउथ इंडिया में अपनाई फिर थर्ड कैंपेन में उन्होंने फिर से नॉर्थ इंडिया के नौ रूलर्स के साथ वॉर करी थी सो ये जो इनकी मिलिट्री विक्ट्रीज़ हैं इसके बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध सेक्रीफाइस जो है उसको भी परफॉर्म किया था यस गुप्ताज कहरा में जो अश्वमेध ऐसे रिचुअल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा Uh, माने जाते थे इनको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया जाता था एंड ही इश्यूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स विद द लीजेंड रिस्टोर ऑफ द अश्वमेध यज्ञ तो गुप्ता दरा के जो भी आप कॉइन्स वग़ैरह देखोगे तो उनमें लीजेंड्स ड्रॉ किए गए हैं ठीक है और इतनी सारी मिलिट्री अचीवमेंट्स की वजह से ही समुद्र जो हैं उनको इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है सो so, हमने देखा कि समुद्र गुप्त का जो अम्पायर है वो नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक एक्सटेंड होता है सेंट्रल इंडिया के भी काफ़ी जो पार्ट है उनको इन्होंने एनेक्स कर लिया था और इन सारी टेरिटरीज़ को समुद्र गुप्त डायरेक्ट एडमिनिस्टर करते थे ओके देर वाज़ अ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाउ लेट्स टेक एंड एस्टिमेट ऑफ समुद्र गुप्त लाइफ तो इनके बारे में जो कि हम अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है उन उसमें ये बोला गया है कि ये एक ग्रेट कंक्वायर तो थे ही साथ ही में ये अपने शत्रुओं के खिलाफ भी शत्रुओं के लिए भी काफ़ी उदार थे ठीक है मैग्निमिटी टू हिस्स फोर्स एंड he was having a polished intellect यही वो reason है कि इन्होंने इतना बड़ा जो एम्पायर है उसको स्थापित ये कर पाए थे और इनका music में काफ़ी ज़्यादा interest है इनको कवि राजा भी कहा जाता था और जो coins इन्होंने issue करे थे उनमें भी समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए जो है वीणा को play करते हुए डिपेट किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा पॉइटर्स और स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज़ uh, करते थे और उसमें से एक थे हरी सेना हरी सेना याद रखिएगा समुद्र गुप्त के टाइम पे थे ये एक पॉइट है और समुद्र गुप्त जो हैं वो वैष्णविज़म को फॉलो करते थे और बुद्धविज़म बुद्धिज़्म में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट uh, रखते थे एंड ही वाज अ ग्रेट ही वाज अ पैटर्न ऑफ़ बुद्धिस्ट स्कॉलर वाशु बंधु ठीक है तो वो वैष्णविज़म को फॉलो करते थे बट वो अदर रिलीजन्स के लिए भी काफ़ी टॉलरेंट थे और वो बुद्धिज़्म जो है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे और ऐसे ही एक बुद्धिस्ट स्कॉलर जो हैं वासुबंधु वो उनको काफ़ी ज़्यादा पैटर्नाइज़ करते थे सो दिस वॉज़ अबाउट द समुद्रगुप्त। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त टू की सो so, चंद्रगुप्त जो हैं चंद्रगुप्त टू जो हैं ये समुद्रगुप्त के बेटे हैं एंड इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है इनको एक टाइटल मिला है विक्रमादित्य का सो so, इनका टाइमलाइन है थ्री ए से लेके फोर फिफ्टीन ए बट कहीं पे हमें ये भी देखने को मिला है कि ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त के बाद जो इमीजिएट सक्सेसर थे वो थे राम रमागुप्त ठीक है द एल्डर ब्रदर ऑफ़ चंद्रगुप्त टू लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम चंद्रगुप्त टू के बारे में ही पढ़ेंगे सो so, चंद्रगुप्त टू जो हैं इन्होंने भी चंद्रगुप्त वन की तरह मैट्रीमोनियल अलायंसेज बनाए थे ये काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी डिप्लोमेटिक रहती थी और ये बहुत ही अच्छे योद्धा थे ये भी सो so, चंद्रगुप्त ने मैट्रीमोनियल अलायंसेस से अपने पावर को स्ट्रेंदन करने के लिए जो कुबेर नाग हैं उनसे शादी करी थी शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड उन्होंने अपनी जो बेटी है उनकी शादी बक वक, वकटका के जो प्रिंस है रुद्र सेना टू उनसे करा दी थी तो इससे क्या उनको फ़ायदा हुआ था जो जोग्रफ़िकल जो एरिया था दक्कन का वहाँ पे उनको पावर मिल गई थी ठीक है और अब वो जो साग हैं उनके खिलाफ जो अपना मिलिट्री कैंपेन है वो कर सकते थे सो दिस वाज़ द काइंड ऑफ पॉलिसी जो चंद्रगुप्त टू हैं वो फॉलो करते थे नाउ इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंक्वेस्ट किया था साक सत्रब्स के ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और ये जीत भी गए थे और क्योंकि इन्होंने साक्स को ख़त्म किया था इसलिए इन्हें साकारी भी कहते हैं साकारी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ साक्स ठीक है ये अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था सो so, विक्रम आ, और इनको ये खुद को विक्रम आदित्य कहते थे बिकॉज इन्होंने वेस्टर्न इंडिया को कन्क्वेस्ट कर लिया था वेस्टर्न इंडिया को कंक्वेस्ट करने की वजह से जो वेस्टर्न बाउंड्रीज़ हैं इनकी और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई थी और ये बाउंड्रीज़ आपकी अरेबियन सी तक पहुंच गई थी अरेबियन सी से आप वो ब्रोच सोपारा कैम्बे जैसे जो सी पोर्ट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते थे सो ही वॉज़ एनेबल द गुप्ता अम्पायर टू कंट्रोल ट्रेड विद द वेस्टर्न कंट्रीज़ और इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कमर्शियल सिटी आ, हुआ करती थी वो थी उज्जैन ठीक है और ये बाद में ये जो कुप्ताज है उनकी अल्टरनेटिव कैपिटल बन गई थी सो तो जैसा कि हमने देखा इन्होंने अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ तक एक्सटेंड कर लिया था तो वहाँ से फिर ट्रेड करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था तो ट्रेड काहे का होता था देखिए ट्रेड होता था बिहार से जो इंडिगो है उसका ट्रेड होता था उसका एक्सपोर्ट हुआ करता था बंगाल से कॉटन क्लोथ्स का एक्सपोर्ट होता था बनारस से सिल्क एक्सपोर्ट होता था और जो सेंट हैं वो हिमालया से एक्सपोर्ट होते थे क्योंकि हमने देखा था कि इनका जो अम्पायर है वो नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था और जो सैंडल और स्पेसीज़ हैं ये सारे साउथ से एक्सपोर्ट होते थे तो ये सारी चीज़ें तो एक्सपोर्ट हुआ करती थी तो इम्पोर्ट क्या होता था इम्पोर्ट होता था रोमन गोल्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा जो वेस्टर्न ट्रेडर्स थे वो लेके आते थे सो so, इस ये जो एरिया था गुप्तास का जो पीरियड है इसी वजह से इसको गोल्डन एज कहा गया है ट्रेडिंग तो काफ़ी अच्छा था ही अभी आप आगे देखोगे कि हर फील्ड में यहाँ पे प्रोग्रेस हुई थी चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो लिटरेरी वर्क्स हो ठीक है पेंटिंग्स म्यूज़िक डांस हर जगह डेवलपमेंट डिव, डिव, हुआ था इस पीरियड में गुप्त जो चंद्रगुप्त टू हैं इन्होंने और भी ज़्यादा वॉरफेयर लड़ी थी और अपना जो एम्पायर है उसको नॉर्थ वेस्ट तक एक्सटेंड कर दिया था बियॉन्ड हिंदूकश एंड अप टू बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो रीज़न है ये आज का जो उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान और नॉर्दर्न पाकिस्तान का जो एरिया है उसको प्राचीन काल में बैक्टीरिया बोलते थे तो यहाँ तक इन्होंने अपनी जो अम्पायर है उसको एक्सटेंड कर लिया था सोनाओ लेट्स टॉक अबाउट फाहिन विजिट तो फाहीन जो है ये एक चाइनीज़ इस्कॉलर थे ट्रेवलर थे तो ये इंडिया आए थे चंद चंद्रगुप्त टू के रेन के टाइम पर इनके शासन के टाइम पे और नौ साल ये इंडिया में रहे थे और इसमें से छः साल इन्होंने सिर्फ गुप्ता का जो अम्पायर है वहाँ पर स्टे किया था ये पाटलिपुत्र में ठहरे हुए थे और इनका जो मेन पर्पस है इंडिया आने का वो था टू सी द लैंड ऑफ बुद्धा और इनकी मैनुस्क्रिप्ट को कलेक्ट करना तो ये पाटलिपुत्र में रुके और इन्होंने संस्कृत सीखी और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनको कॉपी किया इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ गुप्ता के अंपायर के बारे में भी बताया यहाँ की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में लिखा और इन्होंने ये मेंशन किया था कि नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है इंडिया का नॉर्थ वेस्ट साइड में जो बुद्धिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है लेकिन गंगाटिक वैली का जो एरिया है वहाँ पे इसको बिल्कुल नेगलेक्ट किया है वहाँ पे लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं तो गंगाटिक वैली में जो रिलीजन को लोग मानते थे वो था ब्राह्मणिज़्म इसलिए इस रीज़न को उन्होंने लैंड ऑफ कहा है सो so, ना चंद्रगुप्त टू के बाद जो इनके सक्सेसर्स हैं इनकी बात करते हैं तो इनके बाद जो रूल जिन्होंने किया वो थे कुमार गुप्ता सो so, कुमार गुप्ता भी अच्छे एम्पर थे इनके टाइम पे काफ़ी पीस और प्रॉस्पैरिटी था किंगडम में और इन्होंने ये भी अशोमे सेक्रीफाइस जैसे रिचुअल को फॉलो करते थे और ये आ, कुमार गुप्ता जो थे इन्होंने फाउंड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को ठीक है विच इमर्ज एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रेपूटेशन तो इस नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था कुमार गुप्ता ने ठीक है तो कुमार गुप्ता का जो नाम है इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है सो so, लेकिन बाद में जो इनका शासन है वो ख़त्म हो गया था क्योंकि जो कुछ ट्राइब्स थी उन्होंने इन पर हमला कर दिया था एक तो सेंट्रल एशिया से हंस ने यहाँ पे हमला करा था और पुष्यामित्रा की जो ट्राइब है जिनको जिस ट्रा एक ट्राइब है जिसे पुष्या मित्रा कहा जाता है तो इन्होंने भी गुप्ताज की आर्मी पे अटैक कर दिया था और हिंदू कुश माउंटेन वाले रीजन से जो है सेंट्रल इंडिया आ, से हुंस ने अटैक कर दिया था तो गुप्त जो थे कुमार गुप्त के नेक्स्ट सक्सेसर जो थे इन्होंने एक्चुअली हंस से लड़ाई लड़ी थी और वो इसमें जीत भी गए थे लेकिन इस लड़ाई के दौरान जो इनका किंगडम है इनके रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और फाइनली जो स्कंद गुप्ता है उनके बाद जितने भी रूलर्स आए वो काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर थे और वो गुप्ताज के अंपायर को हंस से नहीं बचा पाए और अल्टीमेटली जो गुप्ताज का अम्पायर है वो डिक्लाइन हो गया नॉलेट्स टॉक अबाउट गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है तो ये इतना बड़ा अंपायर था यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन शासन प्रशासन कैसे चलता था वो देखते हैं तो इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि जितने भी गुप्ता राजा थे उनको कुछ टाइटल मिलते थे टाइटल आ, मिले थे तो उन टाइटल्स का नाम है महाराजाधिराज परम भट्टरका परमेश्वरा सम्राट चक्रवर्तीन तो ऐसे ऐसे टाइटल्स जो हैं गुप्ता जो किंग्स हैं उनको मिला करते थे और किंग को हमेशा हर किंगडम की तरह किंग को असिस्ट करने के लिए काउंसिल होती थी जिसमें चीफ मिनिस्टर द सेनापति ठीक है कमांडर इन चीफ वग़ैरह इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे और इनके फॉरेन अफेयर्स देखने के लिए अलग मिनिस्टर्स हुआ करते थे और जो राजा है वो काफ़ी क्लोज़ कांटेक्ट में रहता था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ जिनको कुमार मात्य या आयुक्तास भी कहा जाता है और जो भी जो किंगडम है वो प्रोविंसेस में बटा था जिसे प्रोविंसेस को इनके टाइम पे भुक्तिस कहते थे ठीक है और प्रोविंशियल गवर्नर्स को उपारिका बोलते थे सो so, भुक्तिस जो हैं जो प्रोविंसेस हैं उनको सब डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट्स को विश्यास बोलते थे और इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो गवर्न करता था उसको बोलते थे विश्यापति सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए नगर श्रेष्ठीज़ हुआ करते थे और विलेजेस को कंट्रोल करने के लिए ग्रामिक हुआ करते थे ठीक है तो इस तरीके से जो गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिवाइडेड था सो so, फाहीन जो हैं जिनके बारे में हमने बात की थी तो उन्होंने गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी है एंड ही है सेट दाइट की गुप्ता का जो पीरियड था उसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलती थी ठीक है दे कैन गो एनी वे और वो बहुत ज़्यादा जो लिबर्टी है उसको इंजॉय करते थे और यही वो कार यही कारण था कि वहाँ जो है चोरी चकारी जो उम, गलत चीज़ें हैं वो बहुत कम हुआ करती थी लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे तो क्राइम जो है वो नेग्लेजिबल था और जो पनिशमेंट का जो तरीका था वो ज़्यादा सीवियर नहीं था कोई भी स्पाई सिस्टम नहीं था इस किंगडम में थीव्स वगैरह नहीं हुआ करते थे तो ये जो किंगडम था ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ था जो भी ट्रैवलर्स वगैरह थे क्योंकि फाहीन ख़ुद एक ट्रेवल ट्रैवलर थे तो उन्होंने ये चीज़ महसूस करी थी काफ़ी सेफ़्टी मिलती थी जितने भी यात्री होते थे उन्हें सो so, ये कहा गया है कि गुप्तास का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल था मौर्याज के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करें तो सोशल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे भी कास्ट सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हुआ करता था कठोर हुआ करता था सबसे अपर लेवल जो है वो ब्राह्मण्स को मिला था और जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है छुआछूत की जो प्रैक्टिस है वो इस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रविलेंट थी विमेंस की जो पोजीशन है समाज में वो काफ़ी मिजरेबल थी उनको सबडक्ट किया जाता था पुरुषों के द्वारा हालांकि ये कहा जाता था कि आपको औरतों की रक्षा करनी है और उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना है जनरसली ट्रीट करना है लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं हुआ करती थी ऑल दो विमिन्स को जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको पढ़ने से भी मना किया गया था ठीक है उनसे भी उनको प्रोहिबिट किया गया था और स्वयंवर जैसी प्रैक्टिस जो पहले से चली आ रही थी वो अब यहाँ अब इस एज पे ख़त्म हो चुकी थी रिलीजन की बात करें तो ब्राह्मणिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम था इस वक्त और ब्राह्मणिज़म के डेवलपमेंट की वजह से दूसरा जो रिलीजन है जैसे बौद्धिज्म जैनिज़्म इनको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती थी काफ़ी जो गुप्तास किंग हैं वो भी ब्राह्मणिज़म को फॉलो करते थे ब्राह्मणिज़म की दो ब्रांच थी वैश्नविज़म और सेविज़्म देखिए सेविज़्म वो होता है वो लोग जो शिव की पूजा करते हैं और वैष्णोज़म में विष्णु की पूजा की जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जो गुप्तास किंग थे वो वैष्णवाइट्स थे ओके नाउ यही वो टाइम था जब जो रिलीजियस लिटरेचर है जैसे पुराण है उनको कंपोज किया गया था और बहुत कम जो वैल्यू है वो बुद्धिज़म वग़ैरह को दी जाती थी गंगाटिक वैली के आसपास तो बुद्धिज़्म को काफ़ी इग्नोर किया गया था इस बात को फाहिन ने भी कहा है एंड बट जो फ्यू बुद्धि स्कॉलर हैं उनको पैट्रोनाइज़ करते थे कुछ गुप्ता किंग जैसे वासु जो हैं इनको पैट्रनाइज़ किया जाता था समुद्र गुप्त के द्वारा एंड वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा फ्लारिश हो रहा था और जैन काउंसिल जो है वो थी एक वल्लभी में एंड यहाँ पे जो जैन कैनस हैं श्वेता के वो लिखे जाते थे इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर में गुप्तास के पीरियड का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंस है क्योंकि इस टाइम पे जो नागर और द्रविडियन स्टाइल हैं वो फ्लरिश हुई थी और जो आर्किटेक्चर है इस पीरियड का वो अब ख़त्म हो चुका है वो देखने को नहीं मिलता है ड्यू टू द फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ हंस लेकिन इनके जो रिमेनिंग्स हैं जो टेम्पल्स और स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं इनको देख के पता चलता है कि गुप्तास के पीरियड का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लारिशिंग रहा होगा जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं देवगढ़ है जो देवगढ़ टेम्पल है झांसी के पास और जो आपको स्कल्पचर्स देख को मिल देखने को मिलते हैं गढ़ टेम्पल्स में ये अलाहाबाद में है तो दीज तो आर सम इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेंट ऑफ गुप्ताज आर्ट यहाँ पे गुप्ताज के आर्ट और आर्किटेक्चर में जो गंधार स्टाइल है आर्ट में गंधार स्टाइल ऑफ आर्ट जो है इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था वहीं पे आपको जो स्टैंडिंग बुद्धा की एक ब्यूटीफुल स्टैचू बनाया गया है मथुरा में इट रिवील्स अबाउट द ग्रीक स्टाइल तो ग्रीक स्टाइल का इन्फ्लुएंस तो था लेकिन गंधार स्टाइल जो है वो गुप्तास के पीरियड में बिल्कुल वैनिश हो गया था सो so, और एक और पिलर है भितारी मोनोलिथिक पिलर स्कंद गुप्त का है ये पिलर सो इट इज़ ऑल्सो अ रिमार्केबल स्पेसीमेन ऑफ गुप्ताज आर्ट मेटल एर्जी की बात करें तो इस टाइम के जो क्राफ्ट्समैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा मास्टर uh, होते थे अपने काम पे जैसे आपको एग्जांपल देखने देखें तो कॉपर स्टैचू है जो बुद्धा का इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टैचू और ये आपको सुल्तानगंज में ये फाउंड हुआ था लेकिन अब ये शिफ्ट कर दिया गया है बर्मिंगघम uh, म्यूजियम में ठीक है सो so, और नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो डेली आयरन पिलर है ये आज भी इट इज़ एक्सपोज टू सन एंड रेन है और आज भी इसमें जो रस्ट है वो बिल्कुल नहीं लगी है सो दीज आर सम गुड एग्जांपल ऑफ गुप्ताज पीरियड मेटलर्जी पेंटिंग्स की बात करें तो द पेंटिंग्स ऑफ गुप्ताज पीरियड आर सीन एट बाग केव्स नियर ग्वालियर और मुराल पेंटिंग्स इनको वॉल पेंटिंग्स कहते हैं अजंता की काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और इन पेंटिंग्स के द्वारा बुद्धा की जो पूरी लाइफ है उसको इलिस्ट्रेट किया गया है और श्रीलंका की जो सिरगिरिया की जो पेंटिंग्स हैं सिगरिया की पेंटिंग्स ये भी अजंता की अजंता स्टाइल में ही जो हैं अजंता स्टाइल में ही बनाई गई हैं ये अजंता स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है गुप्ता का कॉइनेज भी काफी रिमार्केबल रहा है क्योंकि जो समुद्र गुप्त हैं उन्होंने खुद आठ तरह के आठ डिफरेंट तरीके के गोल्ड कोइंस को इशू किया था इन गोल्ड कोइंस में जो भी लीजेंड्स होते थे जो भी बड़े युद्ध होते थे इनके अचीवमेंट्स को डिपेक्ट किया जाता था तो ये गोल्ड कोइंस भी एक अच्छा सोर्स हैं गुप्तास के पीरियड के बारे में जानने का और चंद्रगुप्त टू हैं उनके सक्सेसर जो हैं इन्होंने भी काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के गोल्ड सिल्वर और कॉपन कॉइंस को ईशू करा था लिटरेचर की बात करें तो जो संस्कृत लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी इस टाइम पे और नागरी स्क्रिप्ट जिसकी बात हमने फर्स्ट स्लाइड में ही करी थी ये इवॉल्व हुई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ठीक है सो देयर आर न्यूमरस क्लासिकल संस्कृत वर्क और जितने भी बेस्ट संस्कृत वर्क लिटरेचर के देखने को मिलते हैं हमें वो गुप्ताज के पीरियड के ही हैं ठीक है दी संस्कृत वर्क्स आर रिटर्न इन द फॉर्म्स ऑफ एपिक्स लिरिक्स ड्रामा एंड प्रोज समुद्र गुप्त जो गुप्ताज के जो राजा हैं वो खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे लिटरेचर में जैसे समुद्र गुप्त जो हैं वो खुद एक बहुत ही अच्छे पोइट थे ये पेट्रोनाइज करते थे हरी सेना को हरी सेना भी एक बहुत अच्छे पॉइट थे इनके टाइम के चंद्रगुप्त टू जो हैं इनके कोर्ट में नवरत्नाज हुआ करते थे और इन नवरतनाज में से वन ऑफ द बेस्ट जो थे वो थे कालीदास कालीदास का एक मास्टरपीस था संस्कृत ड्रामा जिसका नाम है शकुंतला और शकुंतला जो है दुनिया के सौ बेस्ट बुक्स में से एक है ठीक है अदर जो प्लेज इन्होंने लिखे हैं वो हैं मालविका अग्नि मित्र और विक्रम मोरवशिया इनके एक वेल नोन एपिक्स हैं इनका क्वेश्चन भी आया था अभी अभी हमने देखा था स्लाइड्स में तो रघुवाम्स और कुमार संभव जो है ये इनके वेल नोन एपिक्स हैं दो इनकी फेमस जो लिरिक्स हैं वो हैं रितु संहार और मेघदूत सो so, कालीदास वन ऑफ द नवरत्नास थे चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में नाउ अदर ऑथर्स की बात करेंगे और इनके द्वारा लिखी गई इनके लिटरेचर वर्क के सो so, सबसे पहले देखते हैं विशाख दत्ता के बारे में इनके बारे में हमने फर्स्ट स्लाइड्स में भी देखा था जब हम गुप्ताज के पीरियड के सोर्सेज के बारे में जान रहे थे तो इनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स हैं उनसे काफ़ी कुछ पता चलता है गुप्ता के पीरियड के बारे में इन बुक्स का नाम है मुद्र राक्षसा और देवी चंद्र गुप्तम तो इनके राइटर हैं विशाख दत्ता मृच कटिका जो बुक है इसको लिखा है सुद्रका ने इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर दान्डीन जो ऑथर हैं इन्होंने लिखा है काव्य दर्श एंड दस कुमार चरिता अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ दिस पीरियड इज़ वास वासव दत्ता ठीक है ये लिखा है सुभंधु ने पंचतंत्र को लिखा गया है कंपोज किया गया था विष्णु शर्मा के द्वारा गुप्तास के पीरियड में ही इस पंचतंत्र को लिखा गया है एंड द बुद्धिस्ट ऑथर अम्र सिम्हा कंपाइल्ड लेक्सिकॉन कॉल्ड अम्र कोश ठीक है पुराण को भी इसी पीरियड में कंपोज किया गया है देर आर एटीन पुरान्स और इसमें से जो फेमस वन है वो हैं भागवत विष्णु वायु मत्स्य पुराण ठीक है महाभारत और रामायण जैसे जो एपिक्स हैं इनको भी जो फाइनल टच है वो इसी पीरियड में दिया है जो फेमस हैं जैसे पंचतंत्र रामायण महाभारत इनको फाइनल टच मिला है पंचतंत्र और पुराण्स को इसी पीरियड में लिखा गया है तो ये सारा कुछ थोड़ा आप याद रखना कालिदास जी को याद रखना नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस तो साइंस में सबसे पहले अगर हमें गुप्तास के पीरियड का बात करनी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्यभट्ट की ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर तो इन्होंने 1499 नाइन्टी नाइन में एक बुक भी लिखी थी आर्यभ्ट ये डील करती है मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से और यही वो पहले पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था जो सोलर और लूनार इक्लिप्स हैं उनके साइंटिफिक अकरेंस को ठीक है आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट टू तो डिक्लेयर दैट द अर्थ इज़ इस अ इस्टेरिकल बॉडी एंड दैट इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस ठीक है तो अर्थ के रोटेशन के और इनके शेप के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था नौ वरा, वराह मिहारा जो हैं उन्होंने कम्पोज किया था पंच सिद्धांतिका को ठीक है सो द फाइव एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम इसका मतलब होता है सो so, इनका एक वर्क है बृहद संहिता इट इज़ द ग्रेट वर्क ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड इट डील्स विद द वराइटी ऑफ सब्जेक्ट जैसे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी जोग्राफी आर्किटेक्चर वेदर एनिमल मैरिज वोमन्स इन सारी चीज़ों के बारे में डील करता है बृहद संहिता जिस जो लिखी है वराह मिहिरा के द्वारा ठीक है एंड ही हैज़ ऑल्सो कम्पोज पंच सिद्धांतिका नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फील्ड ऑफ मेडिसिन सो मेडिसिन के फील्ड में जो वाघ भट्टा हैं वो गुप्तास के पीरियड से रिलेटेड हैं एंड ही इज़ वन ऑफ वन ऑफ द ट्रायो जो कि मेडिकल ट्रायो है एंशियन पीरियड का जिसमें चारक और सुश्रुता सुसु, हैं और तीसरे कौन हैं वाघ भट्टा तो एनशियन टाइप का जो मेडिकल ट्रायो है उसमें तीन नाम आते हैं वाघ भट्टा चारक और सुश्रुता और वाघ भट्टा जो हैं वो गुप्तास के पीरियड के हैं और चारक और सुश्रुता ये गुप्तास के पीरियड से पहले के हैं सो so, जो वाघ हैं इन्होंने लिखी है अष्ट अष्टांग समग्रह ठीक है अष्टांग समग्रह को लिखा है वाघ भट्टा ने इट इज़ अबाउट द समरी ऑफ़ एट ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन ओके सो ये ख़त्म होता है आपका चैप्टर और आपने गुप्तास की एडमिनिस्ट्रेशन लिटरेचर पेंटिंग आर्किटेक्चर आर्ट ठीक है मेटालजी साइंस सबके बारे में पढ़ लिया है नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है द गुप्ता एरा स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर तो कौन सी एरा से जो गुप्ता का एरा है वो स्टार्ट होता है ए ऑप्शन है तीन सौ दस बीस ए डी बी है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ए डी सी है तीन सौ तीस ए डी या डी है तीन सौ ए डी तो करेक्ट आंसर इज बी तीन सौ बीस ये वो टाइम है जब चंद्रगुप्त वन जो है उनका टाइमलाइन स्टार्ट होता है उन्होंने एक्सेस किया है सेकंड क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ़ द नालंदा यूनिवर्सिटी तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फ़ाउंडर कौन है नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था कुमार गुप्ता ने ठीक है सो थर्ड क्वेश्चन है आपका द फिजिशियन हुव ड्यूरिंग द गुप्ताज एज सो गुप्ताज के एज के टाइम पे कौन से फिजिशियन थे ए वरह बी वाघ सी चारक या डी सुश्रुता सो आंसर इज ए वरह मिही नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज तो आंसर इज श्री गुप्ता सेकेंड है द बुद्धिस्ट स्कूलर स्कॉलर वाशु बंधु वॉज पेटरनाइज बाय समुद्र गुप्ता द टाइटल सकारी वॉज अज्यूम्ड बाय चंद्र टू नाउ द एपिक्स रिटन बाय कालीस आर Uh, रघु वामसा और कुमार संभार uh, फिफ्थ क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ बृहद संहिता तो बृहद संहिता के ऑथर हैं वरह मिहिरा ओके नाउ मैच द फॉलोइंग जो है आपका इसमें मेघदूत किसने लिखी थी कालिदास ने देवी चंद्र गुप्तम ने दस कुमार चरिता ये लिखा था दांडिन ने मिरीच कट्टिका को लिखा था सुद्रका ने तो ये आपका ये चैप्टर खत्म होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड इफ यू हैव लाइक दिस लेसन देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन शेयर द लेसन विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल